जी देखिए, जो हिजाब का मुद्दा है ये एक राजनीतिक तौर पे उठाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और हिजाब जो है कॉलेज के अंदर कैंपस में जाइए आप, उतार दीजिए, और क्लास में जैसे सब बच्चों का ड्रेस है उसी तरह सबका होना चाहिए, हिजाब क्लास के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हिजाब इसलिए जरूरी क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि एक स्कूल होता है वहां पे हर तरीके के, हर धर्म को मानने वाले, हर पूजा पद्धति को मानने वाले लोग होते हैं, तो वहां थोड़ा सा भेदभाव जैसी स्थिति ना हो, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं पहनना चाहिए जिससे कि भेदभाव। तो क्या लगता है आपको कि ये ठीक बात है? जी बिल्कुल ठीक बात है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लास में ड्रेस है, ड्रेस ही होना चाहिए, और हिजाब पहनना किसी को मना नहीं है। आप जाइए कैंपस में, उतारिए, क्लास में ड्रेस पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा आलिया। आलिया, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जो सरकार के काम रहे, सरकार अलग अलग दावे कर रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, आपको क्या लगता है मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या क्या जो काम किए हैं सरकार ने तो आपको लगता है बेहतर हुए? नहीं, कुछ तो बेहतर किए हैं, जैसे मदरसे में हॉस्टल खोल दिया है, जो विधवा है या और गरीब औरतें हैं वो जाके रह लेती हैं, और भी बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए हैं। और वजीफे दे दिए हैं बच्चों को बहुत, और भी थोड़े बहुत तो काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ किया ही नहीं है कुछ। अच्छा, जो आरोप ये लगता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब थिंकिंग जो होती है वो जो लोग होते हैं उन्हीं के माइंड के ही सेट पे होती है। अब हर पर्सन का जो माइंड होता है वो हम नहीं वॉच कर सकते हैं, मतलब माइंडसेट एक बना लिया है कि वो पार्टी उनके साथ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो एजुकेशन को लेकर के जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है मदरसों का, उस पर भी लोग लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, आपको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं ठीक है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो सरकार कर रही है? मुस्लिम के लिए जो भी सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है पूरी तरीके से संतुष्ट अच्छा कर रही है। तीन तलाक पे भी देखिए कितना अच्छा काम किया, महिलाएं इतनी बुरी तरीके स्थिति में थी कि कोई उनकी सुनता नहीं था, और तीन तलाक दे दे के भगा देते थे, अब तो कम से कम इतना अच्छा कि मर्दों के अंदर डर सब ऐसा है कि पत्नियों को तलाक दे के नहीं भगाते, तीन तलाक कह कह के नहीं भगाते, बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि और जो चीजें हैं, सरकार जो आने वाली सरकार है, जो 2022 के चुनाव में नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, उसे मुस्लिम महिलाओं के लिए और क्या करना चाहिए? ये भाजपा सरकार बनेगी तो सरकार बनेगी, अखिलेश की सरकार बनेगी, उनकी तो बननी नहीं ना, बननी नहीं है पहले से तय कर लिया। जी जी बिल्कुल। तो इतनी अजीब नाराजगी क्यों है इतनी अखिलेश से? अखिलेश से नाराज, वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम तो मुसलमानों के लिए काम कर, वो सब वोट बैंक की राजनीति है, कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए। जो सम्मान, वो सम्मान भाजपा में मुस्लिम को मिला है वो सपा में तो बिल्कुल ही नहीं मिला।